शुरू करते हैं टमाटरों को डिस्पोज ऑफ करने से और एक अच्छी सी दुआ से, और उसके बाद हम एक अच्छा सा शो जो है आपके साथ लेकर आएंगे छोटी सी ब्रेक के बाद। मॉर्निंग, मैंने सुबह आपको एक जो है सबक सिखाया तो नहीं, सबक दिया, एक्सप्लेन किया, लेक्चर दिया आपसे। मेरा सवाल ये है उस बारे में कि कुछ लोग होते हैं जो नहीं दरगुजर कर सकते, तो मुझे प्लीज बताइए कि अगर कोई गलती कर देता है तो उसको माफ कर देना बेहतर है या उसको सबक सिखाना जो है वो जरूरी हो जाता है। ये मेरा आज आपसे सवाल है, तो आप जब मुझे कॉल करेंगे तो आपने मुझे इसका जवाब देना है। हमारे साथ हैं ना हमारी फिटनेस एक्सपर्ट। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? ठीक है, ठीक ठाक। आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा, आज हम बात कर रहे हैं डिफरेंट एक्सरसाइज की टेक्निक्स। हाँ बिल्कुल। की टेक्निक्स क्या है, मतलब एक्सरसाइज में भी टेक्निक आती है? बिल्कुल, टेक्निक होती है इसमें, बेसिकली वेरिएशन होती है। जैसे कि आप बेसिक एक्सरसाइज करते हैं और यू आर गुड इनफ कि आप वो अच्छी से कर लेते हैं, फिर उसके नेक्स्ट स्टेप्स होते हैं। यू कैन डू क्रॉसफिट। क्रॉसफिट क्या होता है बेसिकली, कि इसमें जो है रेस्ट आपका कम होता है, वर्कआउट जो है वो ज्यादा होता है, और बॉडी वेट एक्सरसाइज इसमें ज्यादा होती है। मशीनरी जो है वो आप यूज नहीं करते। हाँ, बड़ी इंटेंस एक्सरसाइज। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा क्रॉसफिट होता है, फिर सर्किट ट्रेनिंग होती है, फिर ड्रॉप डाउन होते हैं। तो ये साथ साथ वेरिएशन होती है। अगर आप जिम में कर सकते हैं, आप पार्क में कर सकते हैं, आप घर पे कर सकते हैं, तो जो वेरिएशन आपको सूट करती है वो आप अडॉप्ट करके जो है वर्कआउट वो कर सकती है। अच्छा, तो जो लोग क्रॉसफिट, क्योंकि थोड़ा बहुत मैंने किया हुआ है तो मुझे ये पता है कि इट्स वेरी वेरी इंटेंस, और हर दिन उसके अंदर एक्सरसाइजेस ऐड होती रहती है। बिल्कुल बिल्कुल। एंड जो मेरे ट्रेनर ने मुझे कहा था कि आप उस दिन फिट हो जाएंगे जिस दिन आप 45 मिनट्स की कंटीन्यूअस एक्सरसाइज। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन इट इज वेरी स्ट्रेनस। बिल्कुल। तो ये आप किस तरह के लोगों के लिए रिकमेंड करेंगे? बेसिकली वही बात है कि अगर आपका बेसिक एक्सरसाइजेस आप कर सकते हो आराम से, आपका कार्डियो लेवल इतना स्ट्रांग है, तो फिर हम आपको रिकमेंड करेंगे कि आप नेक्स्ट जो लेवल है उस पर वर्कआउट करो। आपके मसल की स्ट्रेंथ होना उसमें बहुत जरूरी है, आपका कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम उसमें स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। अगर आपका हार्ट स्ट्रांग नहीं है, ऑर्गन स्ट्रांग नहीं है, तो फिर वो जो है वो आप एक्टिविटी नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। हाँ, और इससे स्ट्रांग होता है वैसे? बिल्कुल होता है, इसीलिए तो दिस इज द नेक्स्ट लेवल। जब आप फर्स्ट से चलने निकल जाते हो तो फिर इस पे जब जाते हो तो थोड़ा मुश्किल होगा ऑब्वियसली शुरू शुरू में, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब आप करते हो, यूज टू होते हो, तो फिर हो जाता है, इतना मुश्किल नहीं है। सो इट डिपेंड्स ऑन योर डाइट, इट डिपेंड्स ऑन योर रूटीन एंड योर रिकवरी एज वेल। रेस्ट आपका कितना अच्छा है, आपका खाना पीना कैसा है, आप जो आप मसल यूज कर रहे हैं उसकी रिकवरी कैसी है, तो ये सारा एक पूरा प्रोसेस है। तो किस तरह से आप इसको लेकिन आई टेल यू कि हर दफा जब आपका ट्रेनर जो है आपको मजीद टेस्ट करता है, बट एवरी टाइम यू अचीव इट, तो फीलिंग बड़ी अकम्प्लिश्ड होती है, बड़ा अच्छा फील करता है। यस आई डिड इट। मेरे साथ एक कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सुंदर कैसी हैं? मैं ठीक ठाक, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र। आज का कलर आप पे बहुत अच्छा लग रहा है सूट का। थैंक यू जी। बस ये आपका प्यार है जो मेरे चेहरे पर नजर आता है, कलर तो मैं हर किस्म का पहन लेती हूँ। हाँ, सही बात है जी। अच्छा मुझे बताइए कि अगर कोई गलती करता है उसको माफ करना बेहतर है या उसका सबक सिखाना चाहिए? एक दफा तो मेरा ख्याल है कि एक दफा उसको, पहली दफा तो छोड़ देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। लेकिन नेक्स्ट टाइम अगर वही फिर वो करता है तो उसको फिर पिछली और अगली सारी कसर पूरी कर लेनी चाहिए। ये सही है, एक दफा दरगुजर करें और अगर उस बाज नहीं आता तो फिर जो है सारी कसर निकालें, है ना, पिछली भी निकालें और अगली भी पूरी करें। क्योंकि कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जिनसे आप कतई ताल्लुक हो जाते हैं, मतलब ये इंसान ही ऐसे ऐसे बात करना ही छोड़ दे। तो देखें एक दफा तो माफी की गुंजाइश होती है। बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रही हैं, आपका बड़ा दिल है। हमसे कोई सवाल है आपका? जी फिटनेस के हवाले से मैं अपनी एक्सपर्ट से ये पूछूंगी कि एक्सरसाइज का टाइम बताएं कि सुबह में, मॉर्निंग में, ये किस टाइम में आप, शाम में किस टाइम आप, सही टाइम है कि इंसान एक्सरसाइज कर सके। दूसरा के ऐसे जो पेशेंट होते हैं जो जैसे किडनी के हैं या हार्ट के हैं, उनके लिए कोई हल्की फुल्की एक्सरसाइज जो वो कर लें आराम से इजीली। ठीक है। अच्छा जी, मैं आपको बताती हूँ कि अगर आप वेट अपना कम करना चाहती हैं तो आपके लिए सबसे बेहतरीन टाइम है सुबह का। और अगर किडनी इशू या कोई भी आपको इशू है तो उससे सबसे पहले जो है आपका कार्डियो अच्छा होना चाहिए।
प्लस इनिशियल जो है आप वॉक से स्टार्ट कर सकते हैं, उसके साथ आहिस्ता आहिस्ता अगर आपने कोई इंस्ट्रक्टर हायर किया है या खुद कर रही हैं, वैसे तो मैं रिकमेंड नहीं करूंगी कि आप खुद करें, अगर आपने इंस्ट्रक्टर हायर किया है तो वो आपको बेसिक जो है वो बताता रहता है कि आपने लाइट वेट से वर्कआउट शुरू करना है। इसमें आपकी डाइट, वही बात है, आपकी रिकवरी, आपका वर्कआउट सारा मैटर करता है, लेकिन आपको जो है वॉक से जो है इसको शुरू कर देना चाहिए, वॉक से शुरू करना चाहिए, हल्की फुल्की अपनी स्ट्रेंथ जो है ना उसको आहिस्ता 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 बिल्ड करें, एकदम से अपने आप को स्ट्रेस आउट ना करें। हम आज जो करने जा रहे हैं वो स्टार्ट करें, आप टेक्निक्स ही बताएंगे। ओके, लेट्स गो। आज का जो वर्कआउट है उसमें हम कार्डियो और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग दोनों करेंगे, जैसे कि मैंने बताया कि टेक हैं, स्टेपर्स हैं, तो आप उनको भी यूज करते हैं, कर सकते हैं। थैंक यू। तो हमने काफी वेरिएशंस बता दी हैं, है ना। अच्छा, कुछ ऐसी एक्सरसाइजेस थी इसमें जो आप कुछ लोगों को रेकमेंड ना करें कि वो ना करें एक्सरसाइजेस? बिल्कुल बिल्कुल, जैसे ये नी रेजेस जो आई थिंक जिनको जॉइंट पेन है, वही बात है कि ट्रेनिंग टेक्निक है, अगर आप बेसिक कर सकते हैं तो दिस इज नेक्स्ट स्टेप। अच्छा, थोड़ा सा अगर हम बेसिक एक्सप्लेन कर दें कि बेसिक क्या है। बेसिक, आप लोगों ने हमारे पुराने सेगमेंट्स यहाँ पे जो हुए हैं वो सारी एक्सरसाइजेस बेसिक थी। अच्छा, बेसिकली शोल्डर प्रेस, बाइसेप, जो जो एक्सरसाइज हम यहाँ पे कर रहे थे। अच्छा अच्छा, हाँ। इन बेसिकली जिनको हम वार्म अप एक्सरसाइजेस कहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, अगर आप उसमें फ्लुएंट हो गए, आपको उसमें सांस नहीं चढ़ रही है, उसके अंदर आपको कोई बाद में दर्द नहीं निकल रहे हैं, तो उसके बाद आप जो है नेक्स्ट स्टेप पे जा सकते हैं। अच्छा, मुझे थोड़ा सा ये बता दीजिए कि एक तो आपको होती है हल्की सी मसल आपकी स्ट्रेस आउट होती है, जब भी आप एक्सरसाइज करेंगे और अगर आपकी मसल रिड्यूस हो रही है या बेहतर हो रही है तो उसमें हल्की सी पेन होगी, आपको सोर हो जाती है, लेकिन कब आपको पता चल जाता है कि अब ये मुझे जरा नुकसान दे रही है, ये वाला जो दर्द है दिस इज नॉट नॉर्मल? अच्छा, एक पेन होता है जो क्रैम्स होते हैं ना, क्रैम्स इज कि आप उस पेन को बर्दाश्त कर सकते हैं, दैट इज गुड बेसिकली, कि जब आप उठते हैं तो आपको बाइसेप में दर्द होगी तो आपको फील होगा कि आपका मसल जो है यूज हुआ है। एक पेन होती है जो डॉम्स होते हैं, डॉम्स बेसिकली क्या होते हैं कि वो पेन आपसे बर्दाश्त नहीं होती, क्रैम्स का वो नेक्स्ट लेवल होता है। अच्छा। वो कैसे होता है कि आपको पता है कि आपकी लिमिट जो है 80% है, लेकिन आप 110 पे जा रहे हो, आपने वेट बहुत ज्यादा उठा लिया है, ये एक्सरसाइज बहुत एक्सट्रीम पे जाके कर ली है, तो फिर वो पेन जो है वो आपसे बर्दाश्त नहीं होता, बर्दाश्त नहीं होता। हाँ। और उस वाली तक प्लीज अपने साथ, मैं कहूंगी इनिशियली जब आप जिम ज्वाइन करते हैं तो थोड़े से पैसे लगा के थोड़े अरसे के लिए अपने साथ ट्रेनर जरूर रखें, क्योंकि जो आप ऑनलाइन देख लेते हैं डाइट्स या ये सब कुछ जो होता है, स्पेशली अगर आप सप्लीमेंट्स ले रहे हैं, पहले तो मैं स्ट्रिक्टली मना करती हूँ कि प्लीज सप्लीमेंट्स आप ना लें, अपनी जो नॉर्मल डाइट है उसके अंदर अगर आप प्रोटीन्स वगैरह इंक्लूड कर लें जो नेचुरल है वो बेहतर है, क्योंकि इस तरह के फिर बहुत सारे वाकयात हो चुके हैं जहां पर रॉन्ग डोज दे दी या आपने प्रॉपरली उसके साथ एक्सरसाइज नहीं की। एक पूरी रूटीन लेकर चलनी पड़ती है, जिन सेलिब्रिटीज के आप डाइट प्लान्स कॉपी करते हैं उनके दो दो ट्रेनर्स होते हैं उनके साथ, ठीक है, जो उनकी कॉन्स्टेंटली चेंज करते हैं, उनका लाइफस्टाइल है ये। हाँ, उनके पर्सनल ट्रेनर्स, उनके न्यूट्रिशन डॉक्टर्स, उनके हर चीज जो है एक पूरे सर्किट से चल रही होती है। बिल्कुल, हर चीज मॉनिटर हो रही होती है। हम इंटरनेट से प्लान उठा के अपने ऊपर कॉपी करना शुरू कर देते हैं तो हमें क्या पता हमारी बॉडी केमिस्ट्री कब चेंज हो रही है, क्या हो रहा है, तो ये आपने जो है नहीं करना है प्लीज ख्याल से। और एक दफा एक ट्रेनर अपने साथ जरूर रखें, वो आपको एटलीस्ट ये समझा देगा किस चीज को एक्सीड नहीं करना और कौन सी आपके लिए बेहतर है। सही कह रही हूं? बिल्कुल ऐसे। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। टाइम में छोटी सी ब्रेक के बाद आप साथ। वेलकम बैक टू मेक द मॉर्निंग। जिन्हें मैं अब बुलाने जा रही हूँ, ताल्लुक उनका मेरे शहर से है तो मुझे तो और भी ज़्यादा खुशी होती है यहाँ पर उन्हें इनवाइट करने से। बड़े मज़े की इनकी जो है लाइफ स्टोरी है। 16 ईयर्स से जो है एज अ जर्नलिस्ट काम करे, फिर एज अ प्रोड्यूसर टीवी और रेडियो में भी काम किया, उसके बाद पाकिस्तान आइडल में आपको वो नजर आए और कहाँ तक गए, हम उनके लिए रूट कर रहे थे कॉन्स्टेंटली कि वो आगे जाएं। आवाज़ उनकी बहुत ही खूबसूरत, जिनको वो बहुत एडमायर करते हैं, जिन्हें अपना उस्ताद मानते हैं, उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान, उनके ही गीत बहुत खूबसूरत वो सुनाते भी हैं, तो मुझे लगता है हमें मजीद जो है डिले नहीं करना चाहिए उनकी एंट्री में और आपके घर बैठी ढेर सारी तालियों में मोहम्मद शुएब। मैनू तेरे जया सोना होरे लब दाना, मैनू तेरे जया सोना होरे लब दाना, बैठी गावा तेरे कोल रूह नचदा ना, मैनू तेरे जया सोना होरे लब दाना, मैनू तेरे जया सोना होरे लब दाना, बैठी दामा तेरे कोल रूह नचदा ना, मैनू तेरे जया सोना होरे लब दाना, मैनू तेरे जया सोना होरे लब दाना।
तेरी याद सतावे दिनी आंख लवे कर सकना मैंनु तेरे दया सोना हो लबदाना मैंनु तेरे दया सोना हो लबदाना बैठी दामा तेरे कोल रू नचदाना मैंनु तेरे दया सोना हो लबदाना दिनी सा 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 दिनी सा 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 नी सा रे सा रे 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 नी सा रे सा नी सा रे सा नी सा रे नी सा रे सा 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 रे 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 गा नी सा दा दा नी रे sa 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 तेरी याद सतावे दिनी आंगुर लवे गल दसदाना मैनू तेरे दया सोना होरे लभदाना बैठी रामा तेरे कोल रचदाना मैनू तेरे दया सोना होरे लभदाना मैनू तेरे दया मैनू तेरे दया है मैनू तेरे दया हो मैनू तेरे दया है मैनू तेरे दया सोना होरे लभदाना जबरदस्त ये तालियां आपके लिए भी हैं और ये तालियां मेरे बैंड के लिए भी हैं क्या बात है ये आप लोगों की प्लीज बैठिए प्लीज तशरीफ रखिए ये सिंक कैसे हुआ ये जो हो रहा था है ये कैसे हो जाता है ये एटीवी का स्टूडियो ऐसा है माशाल्लाह कि यहाँ आते ही सुरीला हो जाता है क्या बात है अब आपको मेरे सुर का राज भी पता चल गया है यहाँ बेसुरा बंदा भी यहाँ पे सुरीला हो जाता है लेकिन क्या बात है क्या बात है जबरदस्त जबरदस्त भाई वेलकम टू आवर शो अगेन और मैं आपको ये बताते चलूं कि अब हमारा शो जो है यूके और यूरोप में भी देखा जा रहा है तो आज से मैंने जितने सवाल पहले पूछे तो मैं दोबारा पूछने वाली हूँ क्योंकि वो लोग भी बहुत इंटरेस्टेड है आपकी इस जर्नी में तो सबसे पहला जो मेरा सवाल है इतना अच्छा गाना कहाँ से सीखा इतना अच्छा गाना अच्छे लोगों को सुन के सीखा सिर्फ सुन के सीखा और ऐसे अच्छे लोगों के साथ परफॉर्म करके सीखा क्या बात है जबरदस्त वाकई कोई प्रोफेशनल ट्रेनिंग नहीं कोई ऐसे हमारे सिटी मैसेज कोई इंस्टीट्यूट नहीं है पेशावर में बिल्कुल लेकिन कहीं निकल के भी नहीं गए लेकिन जब पाकिस्तान आइडल गए थे वहाँ पे हमें वोकल टीचर मिले थे ग्वालियर घराने से थे करम अब्बास साहब उन्होंने काफी हमें वो भी अब्बास ब्रदर्स से ही आते हैं और अच्छा। इनसे काफी मुझे कुछ सीखने को मिलता है जो आपके म्यूजिशियंस हैं हाँ। काफी अक्सर मेरे साथ कॉन्सर्ट्स में ही करते रहते हैं अच्छा बस ऐसे लोगों के साथ बैठ उठ के कुछ मिल जाता कुछ है लेकिन इतने बड़े कंपटीशन में जाना पाकिस्तान आइडल में काफी ऐसे लोग थे जो सीख कर भी आए बिल्कुल थे तो जब आपने ऑडिशन किया तो थोड़ा सा ये नहीं लगा आपको कि मुझसे ज्यादा सीखे हुए लोग आए मुझे तो पता ही नहीं था कि मैं फाइनल में जाऊंगा मैं तो जस्ट ऑडिशन देने गया था सिर्फ ऑडिशन देने मुझे तो पता ही नहीं लगा कि मैं कब फाइनल तक पहुंच गया तो वहाँ पे जजेस के क्या रिव्यूज होते थे मतलब वैसे ऑन स्क्रीन तो हम सुनते ही रहते थे लेकिन आपको जजेस ये था कि शुरू में बहुत मुझे क्रिटिसिज्म बर्दाश्त करने को मिला बिकॉज मैं सीखा हुआ नहीं था हाँ। लेकिन अल्लाह पाक ने मुझ पर कर्म किया और मैं आहिस्ता आपने मुझे लगता है वहाँ पर बहुत जल्दी पिक बहुत किया। जल्दी मैं वहाँ एक्चुअली गए ही सीखने के लिए था अच्छा। कोई इंस्टीट्यूट नहीं थी पेशावर में हाँ। और शौक काफी ज्यादा था शौक बहुत ज्यादा था बहुत ज्यादा अच्छा तो पेरेंट्स ने मतलब हमारे मतलब अगर मैं पठान बरादरी की थोड़ी सी बात करूँ तो हमारे यहाँ जो है इतना ज्यादा इस चीज को नहीं फेवर दी जाती अबू की मुझे इजाजत नहीं थी लेकिन जब उन्होंने मेरा शौक देखा और उन्होंने ये देखा कि ये 1.5 लाख लोगों में से सिलेक्ट हो गया टॉप 24 में बता के गए थे घर पे यस बता के गए मैं जा रहा हूँ जाओ जब मैं येलो कार्ड लेके आ गया तो मुझे कहते हैं यार तू तो बड़ा तकड़ा है थैंक्स
और मैंने कुछ सॉन्ग भी किए पश्तो, लेकिन ये मेरा जनर नहीं है वो, मैं नहीं कर सकता पश्तो, नहीं कर सकते वाकई बिल्कुल, मैं उसमें बिल्कुल मतलब उस किस्म का म्यूजिक नहीं कर सकते जैसा मतलब वहाँ बनता है, तलफ्फुज़ ज्यादा नहीं कर सकता पश्तो के, बाकी म्यूजिक वो काफी अच्छे है। नहीं मुझे आती है पश्तो, लेकिन वो म्यूजिक में मैं नहीं कर सकता, वो एक मेरे लिए बहुत डिफरेंट सी चीज है। अच्छा ये भी बहुत बड़ी बात है, इस बात को क्लियर, बजाय इसके कि कोई बुरे बुरे गाने गाए, नहीं, नहीं, वो मान लेंगे ये मैं नहीं कर सकता। यार मैं नहीं कर सकता, बस ये मेरा काम नहीं है, मेरे हालांकि देखे आपने भी पंजाबी गाना गाया, पंजाबी पर्शियन इंग्लिश जो भी कहे, पश्तो में थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, मुश्किल। अच्छा वहां पर कभी किसी प्रोड्यूसर से मिले हो जिसने पश्तो का गाना प्रपोज किया और उसने आपको कहा कि मतलब अलग का दस चल दे यार, तो दस सकिए यार, मुझे कहते यार मैं नहीं कर सकता पठान हो के क्या करोगे, हमारे यहाँ तो पश्तो ना बोलना भी इतनी बड़ी बात होती है, बहुत बड़ी बात है, ये क्यों नहीं करे। अच्छा तो अभी जो पाकिस्तानी मूवीज चल रही हैं इसकी प्लेबैक सिंगिंग में काफी अपॉर्चुनिटीज है, प्लेबैक सिंगिंग उसमें भी है और कुछ चैनल्स में है, ड्रामा सीरियल जिनका मैं नाम नहीं ले सकता चैनल से, अच्छा सही सही, तो उसमें भी हैं, तो आ चुके हैं या फिर जी बिल्कुल हैं। अच्छा अच्छा जबरदस्त, उसमें से कोई गाना हम गा तो सकते हैं आगे जाके, जरूर गाएंगे। अच्छा आजकल जो जितने भी हमारे यंगस्टर्स हैं जो गाना गा रहे हैं आजकल, तो हर कोई गाना गा रहा है वैसे, है ना, बुरी बात नहीं कह रही हूँ मैं, मतलब बट हर कोई, मैंने सुना आपकी आवाज भी काफी अच्छी, आप भी, लेकिन देखिये मैंने अभी तक गाना रिकॉर्ड नहीं किया, इसका मतलब है जब तक मैं गाना रिकॉर्ड करके एक रिलीज नहीं कर देती तब तक मुझे पता है कि मैं इस वाली फील्ड में नहीं आ सकती, मुझे होस्टिंग अभी जो है ना जचती है, इंसान को काम करना चाहिए, पता हो बंदे को क्या, मैं ये कर सकता हूं, जैसे मैंने कहा मैं पश्तो नहीं कर सकता, हां बस वो काम ना ही करे ना जिसमें बाद में क्रिटिसिज्म आए, लेकिन इस तरह के बहुत सारे लोग हैं, जैसे मैंने कहा है कि सोशल मीडिया बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, पहले हमेशा सबसे पहला सवाल ही होता था प्लेटफॉर्म किसने दिया, प्लेटफॉर्म कैसे मिला, अब तो आजकल तो कोई भी घर में बैठा वीडियो रिकॉर्ड कर फेसबुक पे और वो वायरल हो जाती है, अगर वो अच्छी हो, अगर वो बहुत बुरी हो तो बुरी हो वो तो ज्यादा होती है, वायरल हो जाती है, फिर उसकी पैरोडी में गाने बनना शुरू हो जाते हैं। तो आजकल जो हमारे स्टार्स हैं, जो चंद नाम हैं, तो उसमें से कोई ऐसे हैं जिनको आप एडमायर करते हो? बिल्कुल हैं, आतिफ असलम, आतिफ असलम मैं उनके सॉन्ग्स बिल्कुल नहीं गाता, लेकिन अल्लाह पाक ने उनको बड़ी इज्जत दी है और वो इस काबिल हैं, मैंने उनको लाइव सुना हुआ। अच्छा हाँ, लोग कहते थे पहले कि यार आतिफ बड़ा बेसुरा है, लेकिन नहीं, आतिफ हाँ। बहुत सुरीला है, वो बहुत समझदार है म्यूजिक। अच्छा हाँ, अच्छा आतिफ असलम की जब भी बात होती है ना तो मैं कहती हूँ उनका जो सबसे बड़ा गिफ्ट है ना वो उनकी यूनिक आवाज है, यूनिक आवाज है ना, उनको बड़े लोगों ने कॉपी किया, लेकिन आतिफ आतिफ है, आतिफ वैसा नहीं कर सकते, है ना, उस तरह का नहीं हो सकता। अच्छा सिर्फ आतिफ असलम, बाकी तो बहुत है, सजाद भाई हैं, आपदा जी हैं, बहुत हैं, राहत साहब हैं, ऐसे कौन से सिंगर हैं जिनके जब भी आप कोई गाना सुनते हो तो आपको लगता हो ऐसा मैं नहीं गा सकता, वो हमारे वो उस्ताद, मेरे उस्ताद ही हैं, नुसरत फतेह अली खान, वो मैं नहीं गा सकता, वो नहीं गा सकते, लेकिन उनका एक सॉन्ग है सानू इकबाल चैन ना आवे, जो कि आई थिंक मेरी लाइफ है वो सॉन्ग। अच्छा। लेकिन मैं वो गा नहीं सकता, क्यों? ये आपके म्यूजिशियंस को भी पता है, इनको मैं अक्सर कहता हूँ कॉन्सर्ट में यार ये मुझे बहुत अच्छा लगता है सॉन्ग, लेकिन मैं कब गाऊंगा, मैं नहीं गा सकता। क्यों, क्या, कहां पे आपको लगता है कि मैं नहीं गा सकता? बस मैं स्टार्ट करते ही बस मैं किसी ट्रांस में चला जाता हूँ, वो मुझे ही पता है वो मैं किस ट्रांस में जा रहा हूँ, मैं नहीं कर सकता, वो आपको सुनने में ज्यादा अच्छा लगता, सुनने में ज्यादा अच्छा लगता है, क्या बात है। अच्छा आप तो प्रवीण जी के गाने जो है बहुत, वो तो वो भी गा लेते हैं, वो तो कभी खुद सोचा है खुद कुछ लिख के कंपोज करके अपनी एल्बम? बहुत सी चीजें की हैं और यूट्यूब फेसबुक पे हैं वो। अच्छा तो कभी एल्बम रिलीज हो रही है? एल्बम तो आजकल आप, मेरा ख्याल है मैंने भी 10 साल पहले कोई एल्बम खरीदी होगी, एल्बम आजकल कोई नहीं खरीदता। अच्छा लेकिन रिलीज तो रही, अभी इतना बड़ा लॉन्च हुआ था, हमारे एक बड़े फेमस सिंगर है उनका, इब्रारुल हक, नहीं नहीं छोटे सिंगर है, छोटे अब कद में छोटे, देखिए आपको पता भी नहीं है, आपको पता भी नहीं आजकल एल्बम लॉन्चेस ऐसे होते हैं इतनी बड़ी। मेरे तो खैर दोस्त भी हैं तो मेरे ना फेसबुक पे बहुत ज्यादा एल्बम लॉन्च की बात आ रही, तो मतलब यही सोच रही थी कि मतलब आजकल सीडी कौन खरीदता है, कैसेट कौन खरीदता है आजकल, यूएसबी और। अच्छा मैं ये बड़ी एक इम्पोर्टेंट बात है, टाइम छोटी सी ब्रेक हो गई, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि जब एक सिंगर अपना गाना रिलीज करता है तो आप पैसे किधर से आते हैं, क्योंकि सीडियां और कैसेट वाली तो चीज रही नहीं, वो ऐसा होता है कुछ इतनी जल्दी नहीं, कॉन्सर्ट्स करते हैं कुछ उनको स्पॉन्सर्स मिल जाते हैं। अच्छा और कुछ ये एक दफा, लेकिन अगर आपका गाना निकल गया, निकल गया जी, है ना, तो उसके बाद तो उसकी रॉयल्टीज या उसका सारा कुछ नहीं, नहीं तो वो तो आपके पास ही है ना, मतलब हम जो ऑर्डिनरी सिंगर्स होते हैं उनके पास तो इतने बड़े वो नहीं होते कि वो कॉपी राइट्स उस पे रखें, जो बड़े सिंगर्स हैं वो रखते हैं, इवन सजाद भाई रखते हैं कि यार ये मेरा सॉन्ग किसी शो में नहीं। अच्छा कॉपी राइट्स के अंदर से आता है, ठीक, मैं यही सोच रही थी कि पहले तो सीरीज और एल्बम्स वर्ल्ड वाइड इतनी मिलियन एल्बम सेल हो गई, इतना ये हो गया, वहां से आपको पता चलता था, लेकिन अब जरा डायमेंशन चेंज हुई तो हर चीज पे कॉपी राइट लगा दिया, कोई अच्छा गाना बंदा बजा ही ना सके अपने शो में। छोटे से ना छोटी सी ब्रेक का टाइम हो गया, ब्रेक का
बैक टू मेक द मॉर्निंग. हमें ज्वाइन किया मियां नईम साहब ने. अस्सलाम वालेकुम. अस्सलाम, कैसे हैं आप? मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ. होने की कोशिश कर होने की कोशिश कर रहे हो. ये बड़ी ही जो है ना अजीब सी बात है, इस पर मैं आपसे पूछती हूँ. नईम साहब, हम लोग चले गए हैं यूके और यूरोप में भी, और वहाँ से भी हमें बहुत सारी क्वेरीज जो है वो आ रही है. और मैं हमेशा अपने नाजरीन को ये कहती हूँ कि अगर आप हमें लाइव कॉल नहीं कर सकते तो हमारे फेसबुक पेज पे हमें अपनी क्वेरीज भेजे और यहाँ पर मियां नईम साहब जो है वो हमें उसका जवाब दे देंगे. आपके मसाइल का भी जवाब दे देंगे. हम ख्वाबों की ताबीर भी बताते हैं, वो भी आप हमसे पूछ सकते हैं. है ना, मजे की बात. और मैं वैसे एक चीज मजे की ऐड करता चलूं कि काफी लोग हैं जो यूके से मुझे ऑलरेडी फॉलो करते हैं. अच्छा, मेरे ख्याल उनके लिए बड़ी खुशखबरी होगी. बिल्कुल, अब देखें हम आपके घरों में हैं एवरी मंडे. इसलिए कि अदरवाइज वो मेरी वेबसाइट और दूसरी चीजों में मुझसे करते थे और कई सालों से चूंकि उनका एक ताल्लुक है तो बड़ा मजा आता उनसे बात करने की. तो आपने बड़ी अच्छी खबर सुनाई कि डायरेक्ट अब हम उन तक बात किया करेंगे और उनके साथ मुखातिब होंगे. बिल्कुल. अच्छा नईम साहब, मेरा जो सबसे पहला सवाल है, जो कुछ लोगों से मिलकर उनके तासुरात देख के, कुछ अपने देख कर, आजकल ना तबीयत में बड़ी नासाजी सी मौसमों का असरात है, मौसम के असरात. अच्छा? है उसकी वजह ये है, और खासकर जब आपने यूके की बात किया तो आपको पता है कि अब ये खिजान का मौसम बड़ा ग्लूमी सा, सूरज दिखाई नहीं देता, डल बादल ये वो, तो ये कैफियत खुद पे भी तारी होती है. वो उसी तरह मतलब ना हम खुल के सामने आते हैं ना बात करते हैं, कहीं आना जाना वो मुश्किल होती है. तो इस बैरियर को तोड़ना पड़ता है जबरदस्ती, कोई माहौल बनाना पड़ता है, कोई मौका बनाना पड़ता है. जैसे आपने म्यूजिक बुलाया, उन चीजों से अपने आप को जरा बदलते हैं, अपने आप को होशियार निकालते हैं उसके अंदर से. कैसा नहीं है बिल. अच्छा, आजकल के मौसम आप देखिए, प्लान्स भी इतनी मुश्किल से बन रहे हैं. अगर आपने 10 लोगों को इनवाइट किया उसमें से 4 पहुंचते हैं बेचारे गीले जूतों के साथ, है ना, ठंड में ठरठराए हुए, सॉरी भाई, फिर उन 4 लोगों का मुंह देखते रहते हैं, वो जो है प्लान पूरा हो नहीं सकता, है ना. वो अभी बल्कि मजे की बात है कि मैं एक दोस्त है, उनकी शादी थी, वहाँ पे गया हूँ तो उन्होंने पिछले दिनों जब बारिशें चल रही थी तो कहते यार बहुत से आए नहीं, और खासकर मेरी काफी कजन नहीं आई. और कजन क्यों नहीं, उन्होंने कहा बारिश इतनी थी कि मैं सैलून नहीं जा सके, पार्लर नहीं जा सके, और उसके बगैर शादी पे नहीं आ सकते. अब हम ऐसे मुंह उठा के कैसे चले जाए शादी पे? आजकल तो तस्वीरें मुश्किल है, आजकल तस्वीरें पूरी जिंदगी के लिए लगी रहती है सोशल मीडिया पे, ऐसे रिस्क नहीं लेते. हाँ, तो इसलिए उन्होंने कहा जी बस अब खवातीन के लिए मौसम रखना बड़ा जरूरी है. बारिशों का पहले से देख लिया गया था, बारिशें होंगी हम तैयार नहीं हो सकेंगे तो हम तो नहीं आएंगे. या तो फिर आप फोटोग्राफर्स ना बुलाएं, ठीक है, और या फिर आप हमें ना बुलाएं, ठीक है, ताकि हम ये दोनों काम नहीं हो सकते. ये दोनों नहीं हो सकता. अच्छा जी, सितारे हमारे जो है हम स्टार्ट करते हैं. बिल्कुल जी, जरूरी है. काफी दिनों से हम सितारों के पीछे और सितारे आगे आगे भाग रहे हैं. सितारों की भी तबीयत जिसका शिकवा मुझ तक काफी पहुंच चुका है. एनी हो, एरीज हम स्टार्ट करते हैं वेटिंग फॉर अ कॉल. कि कभी कभी ऐसा होता है कि हमें किसी चीज का इंतजार होता है, और मेरा ख्याल है ये मौसम की जो सुस्ती है शायद इन पे भी असरात होते हैं. भाई इंतजार है, उठें, कॉल करें, बात करें, पूछें कि क्या हुआ, मैंने किसी से काम कहा था. तो आज का दिन भी यही है कि जिस चीज का इंतजार है उसके लिए महज बैठ के इंतजार ही ना करें, बल्कि फॉलो अप भी करें, याद भी करवाएं, पूछें भी कि मैंने काम कहा था क्या हुआ. और वैसे भी हमारा कल्चर इस तरह का है कि हम जब कोई कहा जाता है काम, बड़े वार्मली, मसला ही कोई नहीं, हो जाएगा, हो जाएगी, मसला ही कोई नहीं. और उसके बाद द मोमेंट यहाँ होते हैं वो मसला, वो हमारा मसला ही नहीं रहता, मसला खड़ा होता है. नहीं, वो हमारा मसला नहीं रहता, नहीं हो गया तो मसला ही नहीं. जो आपका मसला अगर किसी के जुम्मे आपने किया तो उसे मसला बनाए रखे, क्योंकि वो मसला बनेगा तो आपका काम खत्म होगा. अदरवाइज में हाँ बिल्कुल, तो इसलिए उसको रिमाइंड करवाने की कोशिश कीजिएगा. सेकेंड साइन में हम देखते हैं टॉरस. टॉरस का यूं दिखाई देता है कि जैसे ओवर कॉन्फिडेंट है, कोई एग्जाम है, स्टूडेंट्स है, कोई ऑफिस में कोई प्रेजेंटेशन या कोई ऐसी बात है, वो भी यही है कि बस तैयारी हो चुकी है जबकि नहीं हुई. एस्ट्रोलॉजिकल पोजीशन ये शो कर रही है कि आप ओवर कॉन्फिडेंट है, प्रॉपर आपने तैयारी नहीं की, लिहाजा उस सब्जेक्ट को उस मिशन के ऊपर प्रॉपर कंसंट्रेट करें, तैयारी करें, और एक दो लोगों से डिस्कस करें, उसको शेयर करें, और उसके ऊपर जो कमेंट्स आए उनमें कुछ चेंजेस करके फिर आप जाएं एग्जाम में भी या प्रेजेंटेशन में भी. ये दोनों चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है, मुनासिब टाइम देने की जरूरत है. और उसके बाद नेक्स्ट साइन जेमिनी. जेमिनी में हम जब यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे अपने फाइनेंशियल मामलात थोड़े से मुश्किल हैं, पैसे में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, तंगी आ रही है, कैश फ्लो का इशू चल रहा है, अखराजात ज़्यादा, इनकम कम, और कुछ उसके साथ साथ ऐसे होता है कि कभी कभी खामखा की खरीदारी का भी दिल होता है, वो भी ऐसी चीज़ें बन जाती हैं. तो सिर्फ यह है कि ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट का टाइम है अपनी जेब के मुताबिक, मैं यही कहूंगा. बाकी जिसने खर्च करना उन्हें उधार लेके भी कर लेना, देखी जाएगी जो होगा. सो देखा है ना, ये सिलसिला उसका. आखिर ये जो प्लास्टिक कार्ड है इन्होंने भी तो कुछ बिजनेस करना है ना. अरे मैं तो कहती हूँ घर में कहीं ऐसे ऐसे फेंक दिया करें, पता ही ना चले किधर गए. नहीं नहीं, उसका किसी को पकड़ा दे. हाँ ठीक, मतलब ना रखे अपने पास, स्पेशली जो क्रेडिट कार्ड होते हैं आजकल तो बैंक आपको दो दो दे देते हैं, इस पे इस चीज की लिमिट है, इस पे उस चीज की लिमिट है. जब आप
देखते हैं कि उसके ऊपर फिर कितना आपको जो है नहीं उससे बड़ा उससे बड़ी बैंकों ने अब जो ट्रेजेडी की है वो खैर कर रहे हैं कि आपको सप्लीमेंट्री कार्ड है ये आपकी स्पाउस के लिए हाँ जी ये आपके बच्चों के लिए बच्चों को तो आप संभाल सकते हैं उसको कौन संभालेगा बिल्कुल सही कह रहे हैं आपके बच्चों के लिए भी अगर आप 3 सप्लीमेंट्री कार्ड लें तो आपको ये फ्री मिलेगा वो कुछ आपको नसीब नहीं होता सप्लीमेंट्री कार्ड मसला बड़ा मुश्किल है वैसे मैंने ये किया कि मैंने क्रेडिट कार्ड एक रखा चूंकि बाहर जाएं तो जरूरत पड़ती बाकी डेबिट कार्ड इस्तेमाल करता हूं बिल्कुल उसमें डेबिट का ये फायदा आपके अकाउंट में है तो खर्च करेंगे नहीं है तो नहीं है इससे प्रेशर नहीं बनता फोर्थ साइन में हम आते हैं कैंसर साइन में जब हम देखते हैं तो यहाँ पे मुख्तलिफ किस्म की कमिटमेंट्स हैं और उसके प्रेशर हैं और अब आपको समझ नहीं आ रही कि मैं किसकी सुनूं किसकी ना सुनूं घर है ऑफिस है ये सारी चीजें आपस में क्लैश कर रही हैं तो यहाँ पे भी आपको अकॉर्डिंगली प्रायोरिटीज कभी कभी घर के मामलात भी बड़े अहम होते हैं उनके ऊपर भी तवज्जो देने की जरूरत होती है ऑफिस का कभी हम बहाना बना लेते हैं क्योंकि घर के बहुत से मसाइल को हम फेस नहीं करना चाहते अवॉइड करते हैं उस पर तो खासकर जब वो फैमिली बच्चे इस तरह के इशूज हों तो कैंसेरियन के लिए वो पेरेंट्स में कोई भी हो मदर और फादर आपके लिए जरूरी है कि कुछ वक्त घर में घर के मसाइल के लिए वक्फ करें ताकि जो ऐसे मामलात हैं बच्चे तालीम या रिलेटिव से मुतल्लिक उनको भी किसी एक नतीजे पे बैठ के तय करें और सॉर्ट आउट कीजिएगा लियो साइन में जब हम देखते हैं तो यह हम कहते हैं कि ज्यादा गपशप से अवॉइड करें मतलब होता यह कि स्टेट ऑफ माइंड बड़ी ही जबरदस्त है इस वक्त मजे मूड में है और लंबी लंबी फेंक रहे हैं वो फिर लपेटनी मुश्किल हो जाती है तुम्हारी वैसी बड़ी आदत है वो फिर मुश्किल हो जाती है तो लिहाजा उसका भी है एंटरटेनर्स होते हैं ना कहते हैं लियोस जो सबसे अच्छे स्टैंड अप कॉमेडियंस भी बनते हैं हां मैं इसीलिए आपसे कह रहा हूं कि फेंक रहे हैं वो फिर कोई अगर ऐसी हो जाए तो लपेटनी लपेटने वाला होना जरूरी चाहिए साथ में तो जरा एहतियात से किसी के सामने बैठ के मसलन मैं एंजॉय और किसी ने कहा भाई जा वो बहुत मसला है कोई मसला नहीं मैं आजकल थोड़ी सी हेल्प मेरी कर दें वो आके फिर नहीं यार मैं तो मजाक कर रहा हूं सही बात है तो ज्यादा नहीं करना ये करें लेकिन इसी के साथ साथ ये तो एक लाइटर साइड पे हम बात कर रहे थे अहम चीज ये है कि अगर कोई आपका किसी से झगड़ा या ऐसी कोई बातचीत है वहां ज्यादा अग्रेसिव ना वहां लंबी ना फेंके उसको रिजोल्व करने की कोशिश करें बल्कि इग्नोर करने की कोशिश करें जैसे अभी मैं पढ़ रहा था आज आपका जो मौजू था कि अगर कोई गलती करे तो उसे माफ कर दें या सबक सिखाएं तो लियो की जो नेचर होती है सबक सिखाने वाली होती है ऐसे इल्जाम ना, 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 हम तो इतने इतना बड़ा दिल होता है हमारे मुझे तो याद भी नहीं करते इसलिए तो अच्छा नहीं होती आपका क्या सवाल है मैंने भी आने वाला है लिब्रा जैसे ही सब कुछ अच्छा ही कहिएगा मैंने भी घर में एक शेर पाल रखा है देखिए हम हमारी नियत नहीं होती सबक सिखाने की वो बस अल्लाह मियां पे मेहरबान बहुत है दांत बहुत लंबे हैं ना अल्लाह मियां पे मेहरबान बहुत है वो हम जैसे ही थोड़ा सा शिकवा करते हैं अल्लाह से अल्लाह में खुद ही हिसाब बराबर करते हैं दांत और पंजे बहुत करेंगे आपके मूड का जो खराब ही है ना मुझे लगता है कुछ फ्रेश करने की कोशिश करो मैं इसलिए कह रहा हूँ मैंने भी एक शेर घर पाल रखा है भाई बिल्कुल बेगम लियो हो ना तो फिर ऐसे ही होता है अच्छा जी रात मजे की बात आपसे शेयर करूं हम सब डाइनिंग टेबल पे बैठे थे तो जितने हॉरोस्कोप्स हैं ना उनके नेगेटिव ट्रेट्स को डिस्कस कर रहे थे ये बड़ी गलत बात होती तो है। नहीं मैं नहीं कर रहा था वो किसी ने भेजा था सब कर रहे थे अब मैं खैर सब पे था तो सबसे मुश्किल और जो खौफनाक था वो मेरी वाइफ ही का था और सारे उसको बावाज बुलंद वेरीफाई कर रहे थे बिल्कुल ठीक है बिल्कुल ठीक है बिल्कुल ठीक है गदी जिससे लिखा बिल्कुल गलत लिखा था क्या मुझे भी बता दे क्या था डोमिनेटिंग कमांड करने वाले और उसके बाद परस्यू करने वाले कंसिस्टेंट ना माफ करने वाले ये सारी चीजें पंगा नहीं लेना जितने लोग दे पंगा नहीं लेना है लेकिन एक क्वालिटी मैं आज बता दूं खरे लोग होते हैं प्रिडिक्टेबल होते हैं दिल में नहीं रखते सामने आते हैं ये क्वालिटी है कभी बड़ी जोर की खानी भी पड़ती है इस वजह से ना ज्यादा ही अगर सामने आ जाए तो मैं कहती हूँ दो चीजें कभी डिस्कस मत करना ठीक है एक कभी आपस में बैठ के ना दोस्त अगर बहुत ही दिल जो है एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा हुआ तो पता नहीं क्यों ये करते सारे दोस्त मिलके बैठ के कहते हैं आज ना मेरा तुमसे अगर कोई गिला था ना तो आज मैं तुम्हें बता देना आज हम सब जो है अपने अपने गिले जो दिल में रखे हैं वो बता देंगे उससे बुरी डिस्कशन कभी कोई नहीं हो सकती ठीक है जो भूल गए दरगुजर कर दे कभी उसको रिवाइव करने की और कभी ये नहीं करना चाहिए आज हम एक दूसरे के नेगेटिव ट्रेट्स एक दूसरे को बताते ना एक बड़ी अच्छी चीज मैंने पढ़ी थी उसके बाद हम कंटिन्यू करते हैं कि कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे अगर मैं और आप आपस में बात कर रहे हैं हमारा बड़ा अरसा दोस्ती रही है
तो मैं आपकी कोई ऐसी चीज जो है वो नोटिस नहीं कर रही होंगी बुरी जो शायद किसी और ने नोटिस की है, ठीक है। लेकिन अगर मुझे वो चीज वो बता दें कि तुमने कभी देखा है कि वो गाते हुए जो है ऐसा करता है, तो उसके बाद मुझे सिर्फ वही चीज खटकेगी। तो इसीलिए कहते हैं कि अगर दो लोगों में जो है आपस में कोई तनाव नहीं है, वो ठीक ठाक, और आपको किसी की कोई बुरी आदत पता है, तो वो कभी भी हाईलाइट मत करें, क्योंकि एक दफा जब वो हाईलाइट हो जाती है तो फिर वो बड़ी जोर की खटकती है और वो फिर आपको भूलती भी नहीं, वो बार बार नजर आती है, मैंने पहले कैसे नोटिस नहीं किया। तो इसलिए वो कहते हैं ना कि उस पर्दा डालना चाहिए, खत्म कर देना। हमारा प्रॉब्लम भी यही है ना कि हम दूसरों को देखते भी ज्यादा है, टॉपिक भी हमारे पास यही होती है सराउंडिंग। एनी हो जी, अब इसको हम ठीक करेंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं वर्गो पे, बी केयरफुल व्हाइल डीलिंग विद बिजनेस टाइम, या डिसीजन मेकिंग कारोबारी फाइनेंशियल मैनेजमेंट से मुतालिक बड़ी एहतियात किया। अगर कोई ऐसी डिबेट या ऐसी किसी बिजनेस वेंचर में जा रहे हैं तो आप एहतियात के साथ सुने, बोलें कम, गौर करें टर्म्स को, और फिर कोई फैसला करने से पहले टाइम ले लें, ठीक, और उसको किसी और से भी डिस्कस कर लीजिएगा। ये थोड़ा सा वक्त इस तरह का, क्योंकि मरकरी वर्गो का रूलिंग प्लेनेट होता है मरकरी, मरकरी इस वक्त एक ऐसी स्टेट ऑफ माइंड में जहां पे वो ओवर एक्साइटेड एंड शार्प है, क्विक मूव कर रहा है, क्विक मूव करने की वजह से आप किसी कही गई बात को इतना, उसके प्रोज एंड कॉन्स को इतना अंडरस्टैंड नहीं करते जितनी जल्दी हाँ कर देते हैं। जैसे शादी वाली हाँ होती है ना, बाद में फिर कहते हैं ए मिकी कर देते हैं। तो ऐसा कुछ हुआ तो नहीं अभी तक आपके साथ? नहीं, कभी हाँ, कोई इरादा भी नहीं है, ठीक है। तो इसलिए इस तरह की को हाँ करते हुए जरा सा एहतियात कीजिए, सोच लीजिएगा। लिब्रा साइन में जब हम देखते हैं तो यहाँ पे सामने भी बैठे हैं, अच्छा लिब्रा, गुड। यहाँ पे दो तीन चीजें आ रही, फैमिली प्रेशर्स, और जहाँ पे आपसे तवक्को की जाती है कि आप थोड़े रिस्पॉन्सिबल हों और बाकी चीजों को भी साथ साथ लेके चलें, किसी एक चीज के ऊपर आप फोकस्ड हैं और बाकी आपकी जिंदगी के मामलात निगलेक्ट हो रहे हैं, ये किस तरह का सा एरिया जहाँ पे आपको सबको साथ लेके जरूरत है, लेके जाने की, फैमिली करियर एजुकेशन, ये तीनों चीजों को बैलेंस करने की जरूरत है। ये यहाँ पे आपकी जो कंसंट्रेशन है किसी एक साइड पे है, अमूमन होता भी एक लिब्रा एयर साइन है, बड़े लाइवली मजे के जिंदा दिल होते हैं और जिस माहौल में जहाँ होते हैं वहाँ खुश होते हैं, बाकी चीजें भूल जाते हैं। ऐसा ही है, ऐसा ही है ना, देखा। लेकिन उसमें इंडल्ज इतने हो जाते हैं कि फिर वापस आते हैं तो अपने आप को निकालना पड़ता है वहां से, मुश्किल हो जाता है, वो चीज बड़ी एहसास हो रहा है कि कितनी सही बात की जा रही है, फिर वो चीज बड़ी होती है, फन फन फन। मेरा बेटा भी वर्गो है, लिब्रा सॉरी, मतलब वो ऐसा पेपर जब लास्ट पेपर जो फेल होने वाला होता था उसको भी देख के सेलिब्रेट करता था, आज आखिरी पेपर, आज आखिरी पेपर। उस वक्त जो चीज होती है ना, ऐसी कोई है जिम्मेदारियां जो निगलेक्ट हो रही है, शादी शुदी का प्रेशर तो नहीं आया? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। हाँ, शादी का अक्सर अम्मी अबू कहते हैं, है ना, तो मैं कहता हूँ यार ओजे सी के इला मैं 25 साल ना हूँ, बड़ा कि जल्दी किस गाल नहीं है, ऐसा होता है ना, बस ये तो है ना, बिल्कुल। लेकिन बहरहाल ये लिब्रा के सॉफ्ट ट्रेड्स हैं, क्योंकि ये बिल्कुल हसास हैं, छोटी छोटी चीजों पे उदास भी हो जाते हैं और फिर कोई दोस्त आके पकड़ के ले जाएगा, फौरन भूल भी जाते हैं। चल यार, खैर, एनी हो, गुड पीपल। तो सो थोड़ा सा फोकस्ड होने की जरूरत है। नेक्स्ट साइन स्कॉर्पियो, स्कॉर्पियो में जब हम देखते हैं तो यहाँ पे कन्फ्लिक्ट अवॉइड करें, आपकी अपनी स्टेट ऑफ माइंड बड़ी इरिटेट है, डिस्टर्ब है, उसकी वजह से जैसे अभी हम बात कर रहे थे, छोटी छोटी चीजें भी बड़ी महसूस हो रही हैं, बात किसी ने किसी और अंदाज से की, आप उसे किसी और तरह लेते हैं और लगता है कि मुझ पे टॉन्ट हुआ, हालांकि वो जनरल डिस्कशन होती है। तो लिहाजा इस तरह की ऐसी कोई बात नहीं है, होता है कि आप ओवर सेंसिटिव हैं, अगर आपको कोई ऐसी चीज महसूस हो रही है जिससे लगता है कि किसी वजह से आपकी इंसल्ट हो रही है या कोई आपको क्रिटिसाइज कर रहा है, ऐसा नहीं है। और वैसे भी कभी कभी तनकीद, मस्बत तनकीद या कोई दोस्त किसी चीज को पॉइंट आउट करे वो बेहतरी होती है। अच्छा, स्कॉर्पियो के बारे में वैसे कहते हैं उन्हें वैसे ही लगता है कि दुनिया उनके गिर्द घूमती है ना, but they feel very very important, like all try to be important, ha they like to be the center of attention, center hone ka khwahish hoti hai, problem unka ye hota hai ki ye do logo mein center jo hai, leo mein bhi hota hai, leo mein bhi hota hai, acha leo ki personality strong hoti hai, dominating hoti hai, confident hote hain, wo isko कवर कर लेते हैं। स्कॉर्पियो में ये होता है कि उनकी जात के अंदर कमियां होती हैं, वो इंट्रोवर्ट्स होते हैं, उसकी वजह से वो आने की कोशिश करते हैं, वो प्रोडक्टिव या पॉजिटिव होने की बजाय नेगेटिव हो जाते हैं। तो सेंटर लड़के होने की बजाय सेंटर किसी को हंसा के होना ज्यादा अच्छा है, किसी महफिल को खूबसूरत करके होना ज्यादा अच्छा है।
सेजिटेरियस साइन में जब हम देखते हैं तो शॉर्ट ऑफ फंड्स, फ्रस्ट्रेशन, पैसे मांगे जा रहे हैं, खर्चा बहुत ज्यादा हो गया, क्या करूं, ये झगड़ा घर में चल रहा है, बीवी मांग रही है, बच्चों की जरूरत है, आ नहीं रहे, कुछ और लोगों की भी तो कुआत है, ये मसाइल तो मुझे लगता है हर स्टार के लेकिन ये आजकल कुछ स्टार ऐसे होते हैं जिनके ज्यादा है, तो ये इनके साथ इस तरह के चल रहा है तो कोई बात नहीं, तनख्वाह आने लिए दो दिन रह गए हैं, लिहाजा भाई अगले दो दिनों में पेमेंट आ जाएगी, सो रिलैक्स। अब मसला की दो दिन कैसे गुजारे, तो दो दिन ना निकले ना घर से भाई, घर बैठे खर्चे ना, घर से आप थोड़ी देर के लिए भी निकल जाए, इसी बहाने आप घर को टाइम देंगे, ये सो ये थोड़ा सा टाइम आपको मैनेज करने का छोटी छोटी चीजों को। कैप्रिकॉर्न साइन में जब हम देखते हैं तो यहाँ पे लॉट ऑफ चेंजेस, आपके लिए बड़ी तब्दीलियां हो चुकी हैं, हो रही हैं और होने वाली हैं। अच्छा, कैप्रिकॉर्न इज अर्थ साइन, अर्थ साइन ये होता है कि फिक्स्ड, जैसे हम लिब्रा की बात करें, हमारे सामने बैठे बड़ा खूबसूरत नौजवान, मतलब ये चेंज जब आती है तो हर चेंज को एंजॉय करते हैं, ओ फन अल्लाह गुल्ला। कैप्रिकॉर्न का मूड एक जगह छूट के दूसरी जगह जाने के लिए एक बफर चाहिए उन्हें, फ्लेक्सिबल नहीं होते, फ्लेक्सिबल नहीं होते, हार्ड होते हैं, तो इनको थोड़ा सा एडजस्टमेंट टाइम चाहिए होता है, तो ये क्विक चेंजेस जो है इनके एहसाब के ऊपर तारी हो जाती है, जिसकी वजह से इनका मूड डिस्टर्ब होता है और प्रोग्रेस पे असर अंदाज होता है। अच्छा, मेरे तो कभी किसी कैप्रिकॉर्न से नहीं, मुझे जितने भी कैप्रिकॉर्नियन जिंदगी में बने, मुझे लगता है वो मतलब ना वो उस वक्त उस जगह में प्रेजेंट ही नहीं है, मुझे लगता है दीवार से बात हो रही है ना। सही बता रही हूँ, क्योंकि हम लोग, मैं पता नहीं, मैं पर्सनली अल्यूज, वैसे हम बहुत वार्म होते हैं, हम बहुत जल्दी फ्रेंडली हो जाते हैं, मिल जाते हैं, घुल मिल भी जाते हैं, और अगर हमें बुरा लगे इंसान तो हम फिर वो कहते हैं ना, बताते भी बहुत जोर जोर से हैं, मतलब आप बिल्कुल भी नहीं पसंद हमें, है ना, बड़े एक्सप्रेसिव होते हैं, तो लेकिन कैप्रिकॉर्न के साथ मतलब मुझे लगता है कि अगर उन्हें आप ये बता भी दो ना आप मुझे नहीं पसंद, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, आप उन्हें बता दो मैं पसंद, वो बड़ी अच्छी खूबसूरत जिंदगी गुजारते हैं, जो इनके साथ होता है उन्हें पूछो सर्वाइव। अच्छा, कैप्रिकॉर्न का मुझे बताएं फिर मैच क्या है। कैप्रिकॉर्न का मैच अमूमन इसके साथ अगर जब देखते हैं तो कैंसेरियन और टॉरस आते हैं, स्पिरिचुअल इसलिए कि उनकी अपनी प्रायोरिटी होती है, उनके लोग जिनसे वो प्यार करते हैं और होम और डोमेस्टिक, तो वो अपने आप को डाइवर्ट कर लेते हैं उनकी तरफ, तो कैप्रिकॉर्नियन को स्पेस मिल जाती है, या वो अपने आप को स्पेस ले लेते हैं, सब्र शुक्र कर लेते हैं। बिल्कुल ऐसे ही सही कह रहे हैं, क्योंकि कैप्रिकॉर्न आपने देखा होगा जितने भी वर्ल्ड लीडर्स हैं, ठीक है, वो इतने फोकस थे, जो लोग हम जैसे हो ना, जिन्होंने चार लोगों को भी खुश रखना है, दोस्तियां भी निभानी है। मेरे अबू भी कैप्रिकॉर्न, सॉरी अंकल जी, मैं आप बहुत फोकस्ड होंगे, आप बहुत कामयाब होंगे जिंदगी में, मेरे भी इस तरह। आपको याद होगा हमने जब बात की तो हम यही कहते हैं कि ये कामयाब भी होते हैं, इसीलिए कामयाब होते हैं, वो इतने फिक्स्ड हैं, जिद्दी नहीं होते, डिटरमिंड है ना, जो कह देते हैं बस वो करना है, लकीर हो वही करना है ना, अर्थ साइन है ना, फिक्स साइन है, तो अब ज्यादा नहीं करते ऐसे, खाम खा आपको डांट पड़ जाएगी। आगे चलते हैं, एक्वेरियस साइन पे हम बात करते हैं, तो यहाँ पे एक वर्ड मैंने लिखा था आज के दिन, टाइट लिप्स, बोलना नहीं है, अच्छा सुनना ज्यादा है, क्योंकि ये क्वीरिस भी ऐसे माशाल्लाह कि अगर बोलने पे आए तो इन्होंने वेल्ला ही चुप कराए, बिल्कुल ठीक है ना, वो लेकिन उसकी वजह ये कि ये भी एयर साइन के लोग हैं, लेकिन मजे के लोग होते हैं, लाइवली, कंफर्टेबल, रिलैक्स, मजे के, लेकिन हसास बहुत ज्यादा, छोटी छोटी चीजों का सरात लेने वाले, लेकिन इनको चाहिए ये कि आजकल जो इनकी स्टेट ऑफ माइंड चल रही है इसमें है कि इनके छोटे छोटे काम कहीं अफेक्ट कर रहे हैं, कुछ लोगों की कमिटमेंट पूरी नहीं हो सकी, जिसकी वजह से शिकवा इनसे हो सकता है। अब इनके पास कभी कभी जब तो जवाब हो तो खूबसूरती से देते हैं, और जब जवाब नहीं होता तो लड़ पड़ते हैं। अच्छा, यहाँ पर मैं एक छोटी सी ब्रेक भी लेना चाहूंगी, जाने से पहले मैं एक्वेरियस की भी खामी बता दूं कि एक्वेरियंस को अपने अंदर कभी कोई खामी नहीं नजर आती, अपनी गलती तो कभी नजर ही नहीं आती है, हमेशा दूसरों को टॉन्ट करते हैं आपके, और किसी ना किसी तरह से बहस करे जाएंगे, और फिर बहुत अरसे बाद जाके उनको रियलाइज होता है, फिर सॉरी कहते हैं। छोटी सी ब्रेक लेकर हम वापस आ रहे हैं।
वेलकम बैक टू मेक द मॉर्निंग. हमें ज्वाइन किया शेफ वसीम ने. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. कैसे हैं आप? खैरियत ठीक ठाक. ठीक ठाक. अच्छा आज हम वेजिटेबल राइस भी बना रहे हैं. जी. डिश के लिए तो मैं एक्साइटेड हूँ, लेकिन मुझे हमेशा से शौक था कि मैं सीख लूँ कि वेजिटेबल राइस कैसे बनाते हैं. तो फ्राई करके जिस तरह मैंने सोचा हुआ है शायद वैसे ही बनाते हो. पहले हम वेजिटेबल को सौते करेंगे. ठीक है. सौते करने के बाद राइस हमने बॉइल किए हुए. ठीक है. इसमें कन्वर्ट करेंगे. फिर इनको अपना थोड़ा सा सॉल्ट पेपर वगैरह जो डालना है इसमें डाल के हमने इसको दम दे देना थोड़ा सा. ठीक है. क्योंकि जब तक दम नहीं देंगे इसके अंदर रू नहीं आएगी. हाँ, और वो फ्लेवर भी नहीं आएगा. वरना कच्चे कच्चे चावल अलग से लगे होते हैं. बिल्कुल ऐसा ही. ठीक है. और साथ में हम क्या बना रहे हैं आज? चिकन चिली वेजिटेबल है हमारे पास. चिकन चिली वेजिटेबल. ठीक है, जबरदस्त. तो हम इसके इंग्रेडिएंट्स बताएं पहले. मैं इंग्रेडिएंट्स बता देता हूँ आपको. सॉल्ट है हमारे पास. ठीक है. व्हाइट पेपर है. गार्लिक है. ठीक है. चिली सॉस है. ठीक है. सोया सॉस है. विनेगर है. ऑयल होगा. कॉर्नफ्लोर है. उसके बाद ये वेजिटेबल राइस की है. अपना ग्रीन ऑनियन है. ठीक है. उसके बाद कैबेज है. कैरेट है. ये राइस में डालेंगे. ठीक है. लबदस. जो हम चिकन में डालेंगे वो चिकन में अपना कैरेट है. ऑनियन है. कैप्सिकम है. एंड कैबेज है. ठीक है. जबरदस्त. बड़ी नॉर्मली हर बंदा घर में बना सकता है. ये इसका नाम नहीं ले सकते आप. अच्छा जी. ठीक है जी. ठीक है. स्टार्ट करें हम स्टार्ट करते हैं. ठीक है जी. सबसे पहले हम इसको देंगे मैरिनेशन चिकन को. क्योंकि चिकन जब तक आप इसको मैरिनेट नहीं ना करेंगे तो ये ऐसे कुक करेंगे तो हार्ड होगा. ठीक है. इसको मैरिनेशन देनी जरूरी है. और सिर्फ हम देंगे सॉल्ट एंड कॉर्नफ्लोर से. बस सॉल्ट एंड कॉर्नफ्लोर इसलिए नहीं, कुछ भी नहीं इसमें डालेंगे हम. सिर्फ सॉल्ट एंड कॉर्नफ्लोर. ठीक है. सॉल्ट एंड कॉर्नफ्लोर डालने का मतलब है जब इसमें कॉर्नफ्लोर डालेंगे ना ये सॉफ्ट हो जाएगा. अच्छा, इसको नरम करने के लिए. जी, इसको नरम करने के लिए. ठीक है, जबरदस्त. जब तक हम इसको मैरिनेट कर रहे हैं नीम साहब, अगर हम बाकी सितारे भी बता दें. बिल्कुल, बाकी क्या एक ही रह गया हमारा. बाकी तो आज हमने बिल्कुल भुगता दिया. लास्ट साइन हमारा स्पाइसेस. स्पाइसेस पे जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे बच्चे और उसी के साथ साथ जो दूसरी चीज हमारी बनती है ऑफिशियल जॉब की जिम्मेदारी है, ये दोनों है. अच्छा, इसमें बच्चों से मुतालिक थोड़ी सी एजुकेशन और हेल्थ, ये दोनों चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं. खासकर अगर पाइसेस मदर हैं तो उनको ये वक्त अपनी कुछ ऐसी सोशल एक्टिविटीज को छोड़ के बच्चों के ऊपर थोड़ा सा देने की जरूरत है. एक तो मौसम की तब्दीलियां, छोटे बच्चे हेल्थ से इशू होंगे, प्लस ये है कि एग्जाम आ रहे हैं, एजुकेशन ये तैयारियां थोड़ी सी, तो ये उनके ऊपर दबाव होगा. लेकिन वो माएं जो बेचारी जॉब भी करती हैं उनके लिए ज्यादा मुश्किल भी है. तो सो ये टाइम थोड़ा सा बंधाना पड़ेगा. और मैं यही कहूंगा कि ऐसे में घर के बाकी अफराद को भी उनकी हेल्प करनी चाहिए, क्योंकि ये एक दिन की बात नहीं, ये काफी दिनों तक ये सिलसिला आगे चलेगा. अच्छा, उसमें पाइसिस की एक खास चीज भी होती है. वो ये है कि चूंकि प्लेनेट मार्स पिछले कुछ दिनों से इनके यहाँ था, जब ये था तो एक्सपेंस और चीजें बहुत ज्यादा होती थी, मेहमानदारी भी ज्यादा होती. मेहमानदारी ज्यादा होने की वजह से दबाव होता है और उससे कभी कभी हम अंदर से इरिटेट भी होते हैं. ऐसे में गुस्सा किस पे उतरता है? ऐसे में मेहमानों को जल्दी चले जाना चाहिए. वो तो जाएंगे ही जाएंगे. उन्होंने तो अपने आप पे जाना चाहिए, लेकिन गुस्सा उतरता है बच्चों पे. बच्चों पे तो वो बेचारे बच्चे अच्छी प्रोग्रेस दे भी रहे होते हैं तो, लेकिन फिर भी उनके कान खींचे जाते हैं. लिहाजा बी सॉफ्ट, उनके साथ प्यार से मोहब्बत से आप ट्रीट करें और सबको साथ लेके चलें. मजबूरी है, कभी कभी ऐसे प्रेशर के टाइम भी आते हैं और ये चंद दिनों की बात है. ठीक हो जाएगा. अच्छा, एक ना हमारे पाकिस्तानी लास्ट साइड हमारी पाकिस्तानी हाउस होल्ड में एक बात बड़ी कॉमन है कि अगर आपके घर मेहमान आए हुए और वो मेहमान आपके बच्चे को जरा सा ये कह दे बेटा उस वक्त से तुम ये क्यों कर रहे हो, और माँ ये बात सुन ले तो वो आके बच्चे की ऐसी दुर्गत बनाती है मेहमान के सामने कि मतलब यू नो आप क्या इसको कह रहे हैं. ठीक है, खुश हो गई आप जो उसे डांट रही थी ये ले, और अगला बंदा शर्मिंदा ही हो जाता है कि मैंने बच्चे को क्यों कुछ कह दिया. हमारे साथ एक कॉलर है. अस्सलाम वालेकुम. जी अस्सलाम वालेकुम सुंदर, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बहुत शुक्र. मियाँ साहब ने पाइसिस स्टार का बता दिया. हम लोग तो बहुत इंतजार से पूरा प्रोग्राम इसमें देखते हैं कि हमारा कब होगा पाइसिस. हाँ जी, मैं पाइसिस हूँ स्टार. बस आपका आखिरी स्टार होता है ना, अक्सर रह जाता है बेचारा, रह जाता. और मुझे आज फिक्र थी, मुझे लग रहा था कि शायद अब एक नया सेगमेंट कुकिंग स्टार्ट हो गया तो मेरे भी रह जाए, लेकिन शुक्र आप लोगों ने बता दिया. बिल्कुल, बहुत अच्छा सुंदर प्रोग्राम, बहुत अच्छा जा रहा है. और शेप को सुबह देख के बहुत खुशी हुई. मैं तो कहूंगी आप अपने प्रोग्राम का नाम मैक्टी से ज्यादा म्यूजिकल मॉर्निंग म्यूजिकल रखे, क्योंकि जब से माशाल्लाह आप आई हैं मुझे तो बहुत अच्छा लगता है कि रोजाना कम कुछ ना कुछ हमें अच्छा सुनने और देखने को म्यूजिक का मिलता है. थैंक यू. बस हमारा काम होता है आपको खुशी खुशी से जगाएं, अच्छा अच्छा सा आपका दिन गुजरे. बिल्कुल. और मियां सब के ये सारे जो स्टार्स के लिए सब
बताते हैं, ये बहुत अच्छा लगता है, बड़ा इंतजार करते हैं और थोड़ा थोड़ा अपने साथ मैच भी कर रहे होते हैं। और यहाँ शेफ भाई जो है उनसे मैं कहूंगी कि वो भी प्रोग्राम को अच्छा बनाते हैं, तो उनसे मेरी रिक्वेस्ट है अच्छी कॉफी, क्रीमी कॉफी बनाने का बताएं, क्योंकि मैं जब भी कॉफी बनाती हूँ तो उसके ऊपर जो क्रीम डालती हूँ वो मिक्स हो जाती है। वैसे तो अब जैसे टीवी में हम देखते हैं कि वो एक खूबसूरत राउंड सब वो नजर आता है देर टीवी के धूप के, वो होती है फ्लफी क्रीम, वो फ्रॉथ वाली ना जी, सॉरी फ्लफी क्रीम वो कह रहे हैं, वो होती है वो जो उसके ऊपर डालते हैं व्हिप क्रीम ना, हाँ व्हिप क्रीम, हाँ नहीं तो वो व्हिप हम घर में करते हैं तो तब भी उसको वो रिजल्ट नहीं आते जो टीवी में वो ना, वो मैं आपको, वो आपको शेफ जो है हमारे वो बनाना सिखाएंगे। व्हिप क्रीम होती है वो भी आप ऊपर डाल सकते हैं। वैसे एक जो मैं काम करती थी, सस्ता काम होता है व्हिप क्रीम, कौन घर में बनाते हैं कि जब दूध बॉयल हो रहा होता है और उसके ऊपर जब झाग बन जाती है तो वो अगर आप ऊंचा सा उसके ऊपर यूं करके डाले ना तो थोड़ी देर के लिए 5-10 सेकंड के लिए वो वैसी दिख जाती है, लेकिन वो क्रीम ऊपर रहती नहीं, उनको व्हिप क्रीम ही डालनी पड़ेगी। अच्छा मुझे एक बात बताइए जी, जी जो मेरा सवाल था कि अगर कोई गलती करे, उसी तरह मैं जा रही थी सुंदर, हाँ। मैं तो ये करती हूँ और मैं सबको कहूंगी ये करें, अगर तो कोई वाकई किसी से गलती होती है तो उसको नजरअंदाज कर दें, लेकिन अगर कोई जान के गलती करता है तो उसको माफ नहीं करना, जान के तो फिर गलती नहीं होती ना, वही मैंने इसीलिए ना पोलाइटली कहा नजरअंदाज कर दें, लेकिन एतबार नहीं करना चाहिए ऐसे बंदे पे। और माफ का ठीक है रुतबा बहुत बड़ा है, लेकिन फी जमाना जो आजकल हालात नजर आते हैं उसमें ये कि गलती को किसी हद तक अगर आपको मजबूरन है या किसी नजरअंदाज करें, लेकिन उसको जरूर उसके लिए अलर्ट रहें, बल्कि उसको हल्का फुल्का सबक सिखाएं, है ना, है ना, जरूरी। स्पेशली ऐसे लोग जिनसे आप वो कहते हैं ना कतः ताल्लुक नहीं हो सकते, जिनसे आप ये नहीं कर सकते कि बस अगर ये इंसान ऐसा है तो मैं इसे खत्म करूं, तो कोई रिश्तेदार है, कोई आप नजदीकी लोग हैं, तो फिर उनको थोड़ा सा सबक सिखा देना चाहिए, है ना, जरूर। वो इसलिए कि होता ये कि हमें इतने आजकल मिलना होता है, फोन करना होता है किसी ना किसी तरह, तो अगर वो बार बार हम उनको माफ करेंगे, नजरअंदाज करेंगे, वो कहेंगे ये तो चल रहा है जी, इसको तो पता ही कुछ नहीं है ना, क्योंकि ना जी ना, ना जी ना, ऐसे तो नहीं होता बिल्कुल, आप एक दफा ऐसे, इसलिए थोड़ा थोड़ा सबक जरूर सिखाना चाहिए, थोड़ा थोड़ा जरूर, थोड़े से अगर जरा ज्यादा हो जाए तो अच्छी बात है। बहुत सुंदर प्रोग्राम आपका बहुत अच्छा जा रहा है। हशमत आपा कब आएंगी, कौन कब आएंगी, हशमत आपा फ्राइडे को, एवरी फ्राइडे वो हमारे साथ होती हैं, आप हमें सवाल भेज सकती हैं, आपको कोई अगर स्पेसिफिक क्वेश्चन है, कोई पर्सनल क्वेश्चन भी है मिस नेम साहब से तो आप पूछ सकते हैं। हाँ मैं कॉल जरूर मिलाऊंगी इंशाल्लाह। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा प्रोग्राम है, हमें बहुत खुशी से होती है, और सबसे बड़ी बात ये कि मेरे सिटी में होता है, बाकी तो सारे लाहौर और कैची सब कुछ वही होता है, हम तो बहुत पाबंदी से देखते हैं, बहुत ख्याल से देखते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, आप लोगों का प्यार है, बताएं कि खुश को शेफ को देख के हमें बहुत खुशी हुई, बहुत खुशी हुई, थैंक यू, थैंक यू, हम चाहेंगे कि वो टीवी पे हमें नजर आए। मियां साहब आपका बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी, खुश रहिए, अल्लाह हाफिज जी, सो क्यूट, इतना ज्यादा ये देखिए आप लोगों का प्यार है, इतनी प्यार भरी कॉल्स होती हैं, आपकी अप्रिसिएशन है जो हमें यहाँ पर रोज ले आती है, वरना देखिए सुबह उठना जो है बहुत मुश्किल होता है, फिर यहाँ पर आकर पूरा शो करना है ना, है ना नेम सर, यू कैन फील दिस। अच्छा जी क्या कुछ किया हमने अभी तक यहाँ पे, अभी हमने इस चिकन को सौते कर रहे हैं, ठीक है, और वेजिटेबल की कैरेट को सौते कर रहे हैं, ठीक है उसके बाद हम इसमें राइस डालेंगे, फिर उसके बाद कैबेज डालेंगे, फिर ग्रीन ऑनियन डालेंगे लास्ट पे, ठीक है। तो ये हमारा साथ साथ बन रहा है। एक चीज उन्होंने जो है कही जो बड़ी इंपॉर्टेंट है कि सबक सिखा देना चाहिए, मुझे लगता है सबसे अच्छा सबक तो यही होता है, आप क्या ही सिखा सकते हो, बदले तो लेना जो है मैं हमेशा ही कहती हूँ ना करो, वो सड़े हुए टमाटरों वाली एग्जांपल है, फेंक दो दरगुजर करो, लेकिन जो इंसान बार बार गलती करे उसको उसकी गलती का एहसास दिलाना चाहिए, उसे बैठ के। लगा था कि सबक सिखाना लफ्ज जरा सख्त है, बिल्कुल ये लफ्ज सख्त है, इसका मतलब ये होता है कि आप बड़े गुस्से से डांट बदला ले रहे हो कुछ, उसको कभी कभी ऐसा होता है कि गलती करे तो पॉइंट उसे बता देना कि आपने ये बात की और ये बात बुरी है, वो सबक नहीं होता। कभी कभी हम खामोशी जो होती है वो एहसास नहीं करवाती, और अगर आप एहसास करवाते हैं तो वो लफ्ज सबक नहीं होता बल्कि एहसास करवाना होता है, बिल्कुल सबक वो होता है जो वो नेगेटिव वर्ड हो जाता है ना, कि फिर मतलब आपने मेरे साथ किया तो मैं आपके साथ डबल करूं, फिर तो आप दोनों बराबर हो गए, मैं वही कहना कि वो फिर इंप्रेशन अच्छा नहीं होता, अच्छा नहीं होता बिल्कुल, मुझे लगता है गलती का एहसास दिलाना चाहिए। मेरे साथ एक और कॉलर है, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम सुंदर, बहुत जबरदस्त आपका प्रोग्राम है, और आपके सवाल के जवाब में तो मैं बिल्कुल मियां साहब से एग्री करूंगी कि एक दफा कोई गलती करे तो एटलीस्ट आप उसको बता जरूर दें, ऐसा ना हो सकता है कि वाकई उसने नादानी में किया हो या उसकी वो इंटेंशन ना हो, लेकिन आप दिल में पाल के बैठ जाए,
और उसके बाद आपको एक तो ये आसानी हो जाएगी कि अगर वो नेक्स्ट टाइम भी करता है तो इसका मतलब है वो डिलिबरेट है। उसके बाद सिखाने से बेहतर है कि मेरा ख्याल है आप उसे रिजर्व हो जाएं, किनारा कश हो जाएं, इसलिए सबक सिखाना एक नेगेटिव वे में आ जाता है। बहुत अकल की बात की आपने, बिल्कुल। जब आपने कहा हुआ होगा ऑलरेडी तो वो खुद समझ जाएगा अगर अकलमंद होगा कि यार ये मैंने रिपीट किया है इसलिए ये बंदा मुझे रिजर्व हो गया है, मुझे लिमिटेड कर दिया है, मतलब बात जगह कटा ताल्लुक पॉसिबल नहीं होता है, वहाँ रिजर्व हो जाए। बिल्कुल। और मियां नईम साहब से मुझे एक बड़ा जरूरी सवाल है कि मेरी है 4th May 1962, ठीक है, तो कुछ प्रॉपर्टी हम कोई शॉप वगैरह खरीदना चाह रहे हैं तो क्या ये महीना या ये साल में ऐसा पॉसिबल है, मेरे लिए बेहतर होगा? और आपके शेफ से भी मैं सवाल करना चाहूंगी कि भाई खुदा के लिए खशखाश को साफ करने का कोई तरीका बता दे, मैं तो परेशान हूँ क्योंकि एक खशखाश को साफ करने का कोई तरीका बता दे, इसलिए कि एक बड़ा अच्छा सा मैं वो बनाती हूँ फेस ग्लो के लिए, तो उसमें खशखाश एक इंग्रेडिएंट है लेकिन उसको साफ करना या सॉफ्ट करना पीसना बड़ा सबसे बड़ा मसला होता है, ठीक है, वो मैं चाह रही थी कि मुझे कोई आसान सा तरीका बिल्कुल बता देते आपको, आपको भी बताते हैं, पहले आपके सवाल का जवाब देते हैं और फिर बताते हैं। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग जी। जी अच्छा, ये प्रॉपर्टी खरीदने का इन्होंने कहा था कि जून 22 के बाद से लेके और नवंबर के दरमियान आपकी प्रॉपर्टी खरीदने का पीरियड बन चुका, आप अगर खरीदना चाहें तो खरीद सकते हैं, वक्त फेवरेबल है, फेवरेबल है मतलब आप खरीद सकते हैं। खरीद सकते जी। हमारे शेफ साहब आप बता सकते हैं किस तरह खशखाश को साफ किया जा सकता है? उसका यही है, उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। अच्छा, एक हाँ ट्रे ले लें, ट्रे में डालें उसको और उसको बार बार उसको देखें वहाँ पे कोई गंद वंद तो नहीं है, उसके बाद उसको छान लें अच्छी तरह। अच्छा, छानना उसका जरूरी है क्योंकि उसमें जो कचरा वचरा होता है सारा क्लियर हो जाता है, क्लियर हो जाता है, ठीक है, यही इसका तरीकेकार है। खशखाश का और कोई आसान तरीका जो है वो है नहीं, हम जो है थोड़ा सा इसको गूगल करेंगे, अगर मुझे कोई भी ऐसी टिप मिलती है जो मैं आपको आसान बता सकूं। जी उसमें एक और तरीका भी है, एक तो छान लेना, दूसरा उसे पानी में भिगो दे तो उसके अंदर डस्ट और रेत नीचे बैठ जाती है। अच्छा, ये हल्की होती है ऊपर से ये साफ हो जाती है। अच्छा, जबरदस्त बात, देख लें जी। और मुझे कोई भी तरीका आपको हमारे एस्ट्रोलॉजर ने बता दिया। थैंक यू सो मच नईम साहब फॉर बीइंग विद अस। थैंक यू, आज हमने सितारे भी कंप्लीट किए, बहुत लोग खुश होंगे। टाइम एक छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद हम शोएब के एक जबरदस्त से गाने से वापस आ रहे हैं। मॉर्निंग, हमें ज्वाइन किया यहाँ भैया अमसा नूर ने। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? अच्छा, मुझे जो आपका इंट्रोडक्शन मिला उसके अंदर मैंने देखा कि आप 4 साल की थी तब से गा रही हैं। जी बिल्कुल। तो ये क्या मतलब फैमिली में है? सॉरी, मिर्चे इतनी ज्यादा है मेरी नाक में लग रही है। फैमिली में नहीं, एक्चुअली मैं नात खान हूँ। अच्छा 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 जी। तो नाथवानी के साथ साथ फिर मैं रेडियो स्टेशन भी जाती थी, वहाँ पे किड शो हुआ करता था FM पे। अच्छा, तो उसमें मैं सिंगिंग अक्सर करती थी। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता जब मैं 8th class के बाद फिर एक बार स्टूडियो में गई, इक्वल एक्सेस की तरफ से मेरा एक प्रोजेक्ट था। अच्छा, तो उसी सिलसिले में मैं स्टूडियो गई तो उन्होंने मेरी वॉइस सुनी एंड दे ऑफर्ड अ सॉन्ग फॉर अ फिल्म। अच्छा, तो वो किया मैंने सॉन्ग, बट अल्लाह
साथ अल्लाह ने साथ दिया और वो सॉन्ग मेरा हिट हुआ। अच्छा जबरदस्त। तो इसके बाद फिर सिंगिंग करियर मेरा स्टार्ट हो गया। अच्छा अच्छा जबरदस्त। अच्छा मुझे ये बताएं कि उसमें मतलब यूजुअली आपने पश्तो गाने ही गाए हैं या उर्दू भी गाती हैं? जी मोस्टली मैंने पश्तो ही गाए हैं। अच्छा आप बिलोंग भी उधर से करती हैं? जी हाँ बिल्कुल। तो ये मुझे फिर ये मेरा सवाल जो है ना हर पठान से होता है कि फैमिली ने किस तरह साथ दिया? नहीं एक्चुअली मैं पठान नहीं हूँ। अच्छा आप नहीं है पठान? नहीं मैं शहरी हूँ। और मेरी आपकी एक्सेंट से ना मुझे पश्तो सुनाई दे रहा है। पश्तो बोलते हैं लेकिन आप? हाँ पश्तो ऐसे स्कूल फ्रेंड्स के साथ बोलते थे, फिर कॉलेज में भी, फिर फील्ड में आ गए पश्तो फील्ड में, वो सिंगिंग करते करते मतलब थोड़ा सा इफेक्ट तो पड़ता ही है आपकी लैंग्वेज पे। तो इस तरह। अच्छा मुझे बताएं पश्तो जो हमारा म्यूजिक है मतलब अब नए जो जी काफरीदी आ गए या जो पख्तूनियम और इस तरह के गाने जो रीवैम्प कर दिए हमने, वो बिल्कुल सिर्फ पश्तो फिल्मों वाले गाने नहीं रहे। हालांकि मुझे तो अगर मैं पुराना अगर आप पश्तो सुनते हैं तो अगर आपने टक्कर को सुना हो और सारा है ना, मतलब अगर आप सुनने वाले तो पहले भी बहुत अच्छे गाने होते थे, फिर बीच में जिस तरह हमारी इंडस्ट्री का जवाल आया वैसे वहाँ का भी आया, लेकिन बहुत अच्छे गाने अब दोबारा आना शुरू हो। बिल्कुल बहुत इंप्रूव कर लिया है ना। तो अब खुद भी कुछ लिखती है, खुद कम्पोज करती है या नहीं? नहीं नहीं मैं बस फिल्म्स के लिए सिंगिंग करती हूँ। फिल्म्स के लिए सिंगिंग करती हैं। अच्छा जबरदस्त जबरदस्त। आप दोनों हमें कोई ड्यूएट सुना रहे हैं, मुझे लगता है वो भी जो है बिल्कुल सुनाएंगे। हाँ। सुनाएंगे ठीक है। माइक दूसरा हमें है आपके पास? चले रेडी आप लोग? ओके मैं तेरे संग कैसे चलूं सजना, तू समंदर है मैं साहिलों की हवा, मैं तेरे संग कैसे चलूं सजना, तू समंदर है मैं साहिलों की हवा, मैं तेरे मेहरबानी तेरी, तू मेरा हाथ हाथों में लेकर चले, मेहरबानी तेरी, तेरी आहट से दिल का दरीचा खुले, मैं दीवानी तेरी, बिल्कुल। अच्छा आप लोगों ने पहले कभी गाया है? बिल्कुल गाया है, मैं अक्सर
यमसा की आवाज़ माशाल्लाह, शावर में हैं कुछ लड़कियां ऐसी जिनकी आवाज़ यूनिक है, तो उनमें यमसा की आवाज़ है, इनको मैं अक्सर कॉन्सर्ट से बुलाता हूँ, ये काफी अच्छा परफॉर्म करती है। अच्छा, जबरदस्त जबरदस्त। तो और क्या बात है मेरे म्यूजिशियन भाई की, इनकी तो क्या आवाज़ है। मैं हमेशा कहती हूँ कि लास्ट मोमेंट भी आपको कुछ बता दिया जाए, ठीक है, बड़ा अच्छा साथ देते हैं, थैंक यू, ऐसे ही रहिएगा हमेशा, ठीक है। कुछ लोग ज्यादा तारीफें सुन के ना फिर खराब बजाना शुरू हो जाते हैं। मेरा भी इनके साथ लास्ट टाइम एक्सपीरियंस रहा है, अच्छा। इनके साथ परफॉर्म करने का, एंड इट वाज ऑसम, है ना, जबरदस्त। अच्छा, ये तो हमने आपको खूबसूरत सा डुएट सुनाया, जैसे आपकी आवाज में हम क्या सुनने वाले, आप कुछ पश्तो सुनाएंगी हमें? पश्तो सुना सकती हैं या आप उर्दू सुनाएंगी हमें? उर्दू सुना देती हूँ, उर्दू सुना देती, मुझे ज्यादा लार्जर ऑडियंस को जो कर... अच्छा पश्तो आप सुनाने कौन से वाली है, अगर मुझे पसंद हो? हाँ, वो हदीका कयानी का एक सॉन्ग है, वो दस्तर की जादूगरी दीदा। हाँ हाँ, ये तो सबको आता है, दस्तर की जादूगरी। सुने जी, फिर पश्तो ही यही सुनते हैं। हाँ हाँ, यही सुनते हैं। अच्छा, मुझे पता है इसमें से कितने डू यू स्पीक पश्तो अदरवाइज समझ आती है?
हाँ जी, अब लाइक मेरी अपनी जबान पश्तो नहीं है, मैं वही कह रही हूँ कि जो आपने गाना गाया जी, बिल्कुल इसका मतलब पता तो मैं फिर जो याद करती हूँ उनको मैं पहले समझती हूँ फिर वो मैं सिंग करती फिर याद करती हूँ। अच्छा, मुझे जिस तरह आपको पश्तो आती होगी ना उस तरह मुझे पर्शियन आती है। अच्छा, तो जब मैं उसके गाने सुनती हूँ तो समझ कुछ नहीं आ रही होती, लेकिन तर्ज इतना खूबसूरत होता है और ऊपर से इतनी वो स्वीट और इतनी खूबसूरत लैंग्वेज है, फिर मैं उसका पहले मीनिंग समझती हूँ, फिर या मुझे गाना याद रहता है या मीनिंग याद रहता है, जब उसको गा रही होती हूँ तो बड़ी मुश्किल होती है। लेकिन एक और लैंग्वेज को इतनी खूबसूरती से गाना और तलफ्फुज़ भी उसका बिल्कुल ठीक प्रोनाउंस करना बड़ी बड़ी मुश्किल बात है। क्यों? बहुत मुश्किल बात है, है ना? ऐसा ही है, मुश्किल बात है। अच्छा, हमारा ये तो मजे का म्यूजिकल सेगमेंट चल रहा है, तो मुझे बताइए, मेरे पास इतना टाइम है कि मैं इनका भी एक गाना ले लूं जल्दी से। है जी, है ले लूं ब्रेक? अच्छा चले जी, फिर हम जल्दी से ब्रेक लेकर वापस आ रहे हैं, क्योंकि श्वेब का भी एक गाना जो है बनता है जबरदस्त धमाकेदार। ऐसा देखा नहीं खूबसूरत कोई जिस्म जैसे अजंता की मूरत कोई, जिस्म जैसे निगाहों पे जादू कोई, जिस्म नगमा कोई, जिस्म खुशबू कोई, जिस्म जैसे महकती हुई रात, जिस्म जैसे महकती हुई चांदनी, जिस्म जैसे एक चमन, जिस्म जैसे के सूरज की पहली किरण, जिस्म तरसा दिल का शो दिल लचे, संदली संदली मरमरी मरमरी, संदली संदली मरमरी मरमरी, आपनी 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 मुझे भी इस सिंगर्स कम्युनिटी में शामिल करें ताकि मैं भी ऐसे स्पॉन्टेनियस गाने जो है गा सकूं। अच्छा, आप जो है हर गाने के अंदर अपना तर्ज जरूर जो है शामिल करते हैं और बड़ा पसंद किया जाता है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये, है ना? मुझे जरा कुछ अपने फ्यूचर प्रोजेक्ट के बारे में बताएं, आप अभी क्या कर रहे हैं? अच्छा, हम लोग अभी जो PSL स्टार्ट होने वाला है तो पेशावर ज़ल्मी के लिए अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो तो सॉन्ग सबमिट हो चुका है ऑलरेडी। अच्छा, जबरदस्त। यस, और बाकी पाकिस्तानी मूवीज हैं कुछ
जो पाइपलाइन में है और उनके लिए कर रहे हैं। अच्छा, लेकिन है, ऐसा है कि हमारी जो यहाँ पे जो मूवीज है वो ज्यादातर फोकस स्टोरी पे होता है। अगर आप जितनी भी हिट मूवीज उठा के देख लें उनका म्यूजिक, जिन मूवीज का म्यूजिक अच्छा होता है ना वो हिट होती हैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। तो यहाँ पे मेरा ख्याल है लोगों को ये सोचना चाहिए। अच्छा, हमारे यहाँ मुझे थोड़ा सा लगता है कि अगर हम ज्यादा म्यूजिक पे फोकस कर लें तो मूवी रह जाती है, मूवी पे फोकस रख लें तो म्यूजिक रह जाता है। इंडियन मूवीज, पाकिस्तानी मूवीज उठा के देख लें जो हिट है, सुपर हिट है, उनका म्यूजिक हिट होता होगा। हिट होता है, बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अभी मैं तो उसकी बात कर रही हूँ, दो हमारी मूवीज आई है, एक्सेलेंट म्यूजिक, बहुत खूबसूरत म्यूजिक। और पहली दफा एक तो उसकी फीमेल प्रोड्यूसर थी, मैं नाम नहीं लूंगी, ज्यादा एंडोर्स हो जाएगा, पता मैं किसकी बात कर रही हूँ, फीमेल उनकी म्यूजिक प्रोड्यूसर थी, एक ही है पाकिस्तान में, एक ही फीमेल प्रोड्यूसर है। उन्होंने जो है म्यूजिक प्रोड्यूस किया, बहुत अच्छा जो है वो, मूवी भी बड़ी अच्छी थी, पर वो इतनी आई थिंक सो कामयाब नहीं हो सकी क्योंकि वो जरा एक स्लो, जो हम लोगों को आदत है ना इस तरह की मूवीज देखने की, उस पर नहीं थी, लेकिन म्यूजिक उसका बेहतरीन। उससे पहले भी एक मूवी आई थी जिसके अंदर नया कोई म्यूजिक नहीं था, सब कुछ रिवैम्प किया गया था, लेकिन वो भी म्यूजिक बहुत अच्छा था। मेरा ख्याल है जब तक हमारी मूवीज रिच नहीं होती ना तो हमें म्यूजिक पे फोकस करना चाहिए। आवाजें तो है ना हमारे पास अच्छी, म्यूजिशियंस भी अच्छे हैं, कंपोजर्स भी अच्छे हैं, लेकिन हमारी मूवीज रिच नहीं हो सकती, हमारे लोग इतने यूज्ड टू नहीं है कि हम, और दूसरे के इंडिया में तो काफी बहुत बड़ा मुल्क है वो, तो कहीं उनके एक तो लोग इतने, मैं तो हमेशा कहती हूं जब टैलेंट की बात होती है तो मैं कहती हूं इतनी बड़ी आबादी है उसमें टैलेंट ज्यादा ही होगा, बड़ी आबादी है ना इतनी बड़ी, तो उसमें से ज्यादा ही टैलेंट निकलेगा ऑब्वियसली। हमारी छोटी में से इतना ज्यादा जो है, छोटी सी आबादी है उसमें इतना ज्यादा टैलेंट है, तो फिर आप वहां पर तो ज्यादा ही होगा। लेकिन हमारे मुझे लगता है सिंगर्स को आप जैसे खूबसूरत अच्छे कामयाब सिंगर्स पाकिस्तान में रहकर यहीं पर काम कीजिए, मूवीज के लिए, ओएसटीज के लिए तो आप काम करें, आप भी क्या मूवीज और ओएसटीज के लिए काम करें, तो इतनी खूबसूरत आवाज है हमारे मुल्क में रहकर काम करेंगे तो फिर हमारी आहिस्ता आहिस्ता ना वन स्टेप एट अ टाइम इंडस्ट्री जो है वो अच्छी होगी। हमारी रेसिपी भी तैयार है, मैं आपको इसका खूबसूरत सा शॉर्ट दिखा दूं, चेक करें जरा है कितनी हसीन लग रही है ये, इसी तरह की घर में अगर आप सर्व करेंगे तो इसकी जो है ये वाली क्वालिटी, भूख भी लग रही है ना फौरन, इसीलिए मैंने दिखा दिया। अच्छा, इससे पहले कि हमारा शो खत्म हो मैं चाहूंगी आप हमें छोटा सा कुछ सुनाने वाली थी अभी, है ना, तो सुने चैलेंज म्यूजिकल शो में, तो मैं सब म्यूजिक हो somewhere out there, I know there is a someone who's waiting just for me, Maria. He's gonna send me free, Maria. Just the answer we need in a minute. Who is to have a young Maria? They don't make a desire, Maria. Just get थी उस पार्ट का जो एक्चुअली मुझे आता था, है ना, तूने ऐसी अदा से मुझे देखा, ये गाना ऐसे नहीं था,
ये कोई रीवैम्प हो चुका है ना, इसके कोई लिरिक्स चेंज हुए, थोड़े से चेंजेस हुए हैं। मैं हर दफा जो गाना शुरू करती हूं मैं भी ऐसे कहने वाला, ये तो अंग्रेजी है, मैं चुप हो जाता हूं। ये हुआ था मेरे साथ दो तीन दफा, मैंने कहा ये तो मुझे आता है गाना, तूने ऐसी नहीं तो भी अंग्रेजी गा रही है, नहीं आई डोंट अंडरस्टैंड। बहुत खूबसूरत आपने जो है ये गाया, ये वाला जो है वर्जन मैंने नहीं सुना हुआ था, लेकिन जबरदस्त भाई, बहुत अच्छा। अच्छा आगे मुझे आप बताएं, अगर आप दोनों को ऑफर होती है, जो एक ऑफर आएगी आप तक, जितने भी हमारे अच्छे जितने भी सिंगर्स हैं, जाने की दूसरे मुल्क, तो क्या यहीं पे रुकना पसंद करेंगे, जाना पसंद करेंगे, जाकर वापस आना पसंद करेंगे? जाके वापस आना पसंद करेंगे, जाके वापस आना पसंद करेंगे आप? मैं तो यहीं से अपना तो वायरल फेंकूंगा, आवाज का वायरल यहीं से फेंकूंगा, वहां पे कुछ हो जाए यहीं से वायरल फेंकूंगा, यहीं से वायरल हो जाएगी है ना, यहाँ पर आई थिंक सोशल मीडिया से जो है कुछ करके हम उधर वायरल कर दे। जाने का कोई इरादा? जाने का क्या इरादा? अच्छा, और अगर एक्टिंग की ऑफर होती है, माशाल्लाह आप दोनों इतने हसीन है, हुई है देखा मुझे पता था, हुई है काम पश्तो मूवी में, हुई है इधर भी? हाँ जी, पश्तो ड्रामास में, पश्तो ड्रामास में। अच्छा, तो फिर कहा हाँ कि नहीं? नहीं नहीं, सोच रही हूँ, सोच रही है ना, सोचे बस तो ड्रामे कर ले, ड्रामों का मैं कहूंगी, ठीक है, सही हो सकता है। आप? मैं सिंगिंग में खुश हूँ, खुश हूँ, बड़ा खुश हूँ। ये इनकी सबसे अच्छी बात ये है, इन्होंने एग्जैक्टली अपने लिए चुना हुआ है, मैंने ये गाना, मैंने ये नहीं गाना, मैंने ये करना, ये नहीं करना, मैं इसमें खुश हूँ, ठीक है। अल्लाह आप दोनों को कामयाब करे, आपको इज्जत दे, और इंशाल्लाह आप हमारा नाम ऐसे ही रोशन करते रहे, आप हमारे पास इस शो में आते रहे, बड़े बड़े बहुत बड़े स्टार्स बनकर भी आते रहे, इंशाल्लाह है ना, यहाँ पर हम आपको दावत देते रहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग महकती मॉर्निंग, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। जिस बात से मैंने आज शो स्टार्ट किया था, वो सड़े हुए टमाटर सबने आज फेंक देने हैं, ठीक है, अपने आप को हल्का करना है, और आज का शो हम खत्म करेंगे, रैप अप करेंगे आपके खूबसूरत आवाज आज ही। मैनू मिलियां सजावां प्यार, मैं चंगिया चाहे मंदिया, चंगिया चाहे मंदिया, दीवानी सोने यार दिया, मैं शिक कमाया लो, मैनू मिलियां सजावां प्यार, मैं चंगिया के मंदिया, चंगिया चाहे मंदिया, दीवानी ये प्यार गुना मैनू याद कर दीदार देओ, मैं मर दे दम भी आकांगी, मैनू याद कर दीदार देओ, जिन्ना सचिया मोहब्बता कीतिया ने, जिन्ना सचिया मोहब्बता कीतिया ने, ओ हार के भी नहीं हार दिया, मैं शिव का माया लो, मैनू मिलिया सजावा प्यार, मैं चंगिया के गंदिया, मैं चंगिया चाहे मंदिया, मैं दीवानी सोने यार दिया, मैं शिकल कमाया लो, मैनू मिलिया सजावां प्यार दिया, मैं शिकल कमाया लो।